तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का एक बार फिर से ट्रक पर बॉक्स से एक नए से वीडियो में। दोस्तों सुबह सुबह 7 बज रहा है और गाड़ी हमारी खाली होने के लिए लग चुकी है, 6 बजे ही लगी थी और खाली होने का काम भी नहीं लगा है क्योंकि लेबर लोग दोस्तों अभी नाश्ता पानी कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया भाई, तिरपाल सुबह सुबह खोल दिया और 1 घंटे लगे तिरपाल खोलने के लिए। और कल सुबह भाई मतलब काटा हुआ ओटा हुआ था और कल खाली नहीं किया गाड़ी, कल 2 ही गाड़ी खाली हुआ तो हमारा 3रा नंबर पे था। तो आज गाड़ी लग गई खाली करने के लिए और दोस्तों कुछ इस तरह से भाई गाड़ी अपनी लगी है अंदर खाली करने के लिए। बाकी भाई आज भी गाड़ियाँ आ गई हैं यहाँ पे, लाइन लग चुका है यहाँ पे देख सकते हो। तो आज भाई हमारा हो जाएगा 4था दिन खाली करवाते करवाते गाड़ी और फाइनली मतलब कि 12-1 बजे तक खाली हो जाएगी गाड़ी। तो करते हैं वेट और दिखाते हैं आपको ट्रक ड्राइवर लाइफ का मतलब सच्चाई कैसे भाई गाड़ी खाली होती है। उसके बाद भाई शायद माल मिल जाए कहीं का तो लोड वगैरह भी हो जाएगा और बताएँगे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। पहले तो भाई यहाँ से खाली करके निकलते फटाक से। और मौर्या जी गाड़ी खाली होगी आज हमारी? अभी खाली नहीं हुआ भाई, अब खाली होगा आज। काटा करवा लिया है गाड़ी का? हाँ गाड़ी काटा हो गया है, आज खाली हो गया। और कितना दिन हुआ है अपना? आज 4था दिन हो गया, 4 दिन हो गया आज गाड़ी खाली करवाने का। चलो जाओ अब नाश्ता पानी करो, खाना पीना बनाओ। चले हम नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद चलिए आप भी चलिए। तो हम लोग जा रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए और ये उस्ताद जी जो है मौर्या जी चलते हैं नेपाल, नेपाल पूना हैदराबाद। तो हम भी भाई सोच रहे थे साउथ लाइन जाने के लिए, तो किस टाइम पे मौर्या जी सही रहेगा? अभी सही चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है। हाँ तो भाइयों हम भी सोच रहे हैं साउथ वगैरह में जाने के लिए, तो लगता है भाई मौर्या जी अपना लाइन पकड़वा देंगे तो हम भी शायद अलग सा रूट और रोटेशन और आप लोगों को अलग सा लोकेशन देखने को मिले वीडियो में हमारे साथ। तो देखिए कब तक क्या होता है। और सुबह सुबह का भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियल का देख सकते हो, रामनगर का पूछ इस तरह से भाई यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है और हम तो चाय पी लेते हैं। दोस्तों सुबह सुबह का 11 बज चुका है और गाड़ी हमारी खाली होने के लिए सुबह ही लगी थी लेकिन अभी खाली नहीं हुई है और माल भी निकला था भाई, माल लोड हो जाता खाली हो जाता तो पता नहीं भाई गाड़ी लोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे लेबर, तो पता नहीं कब खाली होगा देखते हैं। अभी तो भाई फिलहाल भुजिया और रोटी भाई खाना बनाते हैं, परवल और आलू का भुजिया डाल के, तो जल्दी से खाना पीना बना कर दोस्त को लिए हैं पहले ही, तो खाना बनाते हैं आराम से दोस्तों, उसके बाद खाना करके ही करेंगे, देखेंगे कब तक गाड़ी खाली होती है आपको भी दिखाएंगे, वीडियो सर लास्ट तक बने रहिएगा। अभी भाई तेल अपना गर्म होकर निकले डाल लेते हैं। दोस्तों खाना पी के आराम कर रहे थे और भाई पता चला एक छली खाली हो गई थी माल और गाड़ी का और पता चला भाई माल कैंसिल हो गया है। यहाँ पे भाई पहले सैंपल वगैरह उतना नहीं चेक किया जाता था लेकिन भाई पता नहीं भाई अपनी किस्मत ही खराब है, गाड़ी भाई हमारा माल साथ में भाई 3-4 गाड़ी गई थी बनने के लिए, उनका भाई हमारे के बाद भाई जो गाड़ियाँ थी वो खाली हो चुकी है और एक लास्ट लगी है खाली करने के लिए और हमारा माल कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है भाई, जब भी मकई भरते हैं हम लोग फंस ही जाते हैं। एक बार केवल भाई पिछली बार आए थे तो मक्का एक दिन रोक के दूसरे दिन खाली हो गया था, आप लोग शॉर्ट वीडियो में देखे भी होंगे भाई, ये सिचुएशन है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है भाई। आज के बाद से ये कसम लेते हैं भाई मकई आज तक भरेंगे ही नहीं साफ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई यहाँ पे। तो भाई पहुंचते पहुंचते पॉइंट के पास 3-4 आज 4था दिन हो गया, 4 दिन लगा, उसके बाद भाई 1-2 दिन और रुको या आज बोल रहा है भाई पार्टी खाली करवा देंगे, आज ही खाली करवा देंगे। अगर आज टाइम पे दोस्तों अपना गाड़ी लगा था खाली करने के लिए 11-12 बजे तक खाली हो जाता अगर तो मतलब दूसरा माल भी भर लिया रहता क्योंकि आज माल था और पता नहीं भाई कब खाली करेगा कब नहीं, अभी इसका मर्जी है। बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अब क्या करें दोस्तों, ऐसा माल आज के बाद से कसम लेते हैं भाई भरेंगे नहीं कभी। गाड़ी से बात चल रहा है, बोल रहा है कि हाँ माल भेज दिए फिर खाली करवाएगा कंपनी में, आप बात करके बताना, तो देखते हैं करते हैं वेट और आपको दिखाते हैं कब खाली होगी गाड़ी। तो दोस्तों अभी गाड़ी निकल चुकी है और भाई कंपनी का मालिक जो है वो आए थे माल चेक किए, उसके बाद खाली करने के लिए जा रहे हैं लगाने के लिए गाड़ी। शाम का अभी भाई 5 बजने वाला है तो देखते हैं कब तक खाली होकर निकलती है गाड़ी, गाड़ी लगाते हैं पॉइंट पे फिर से वापस। Time to fly.
तो दोस्तों गाड़ी फाइनली लगा चुके हैं पॉइंट पे अभी खाली होने के लिए, देखते हैं कब तक गाड़ी खाली होती है अपनी। तो रात का 6 बज चुका है, गाड़ी हमारी ओवर लोडिंग हो चुकी है, देख सकते हो पूरा का पूरा। अभी भाई अपने को साफ सफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों शाम का 7 बज चुका है और भाई हमारी गाड़ी खाली होके आ गए हैं अपने ट्रांसपोर्ट पे और यहीं पे रुकेंगे। भाई कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा भाई कहाँ का माल मिला है या नहीं मिला है। ऐसे तो भाई यहाँ पे तीन चार गाड़ियाँ भाई लाइन से लगी है माल लेने के लिए। तो अपने को भाई माल किस्मत अच्छी रही तो मिलेगा ही, इतना भाई किस्मत खराब ही चल रहा है, देखते हैं भाई अब कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी थोड़ी खुशी भी हो रही है भाई, 4 दिन के बाद छूटे हैं जेल से कि दूसरी जगह भाई कहीं नए लोकेशन पे जाएंगे। ऐसे भाई गाड़ी का तो कुछ काम करवाना था लेकिन हम सोच रहे भाई दशहरा से पहले एक चक्कर मार ले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए और करवाएं तो कुछ खर्चा भी निकल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल के ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा।